कलेंदर भैया सोचिए साहब। हाँ वो गुरु टूट जाए। अच्छा हाँ हाँ तो चाय पीने लो उसके बाद करवा। अच्छा अच्छा एक मिनट में भी तो बोल लूं बड़े खूबसूरती के साथ। साहब लोग कहते हैं कि अपना हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है। अरे साहब सोचिए भारत पानियों का देश जब पानी बोतलों में बेचा जाता है तब अफसोस होता है। हमसे अच्छे तो हमारे पूर्वज लोग थे। जब घर में संस्कार और सम्मान अपने से बड़े लोगों का आदर करते थे। सोचिए साहब एक बूढ़ी माँ दिल्ली की पालम हवाई अड्डे पे अपने बेटा को इंतजार कर रही थी। मैंने उस माँ से पूछा माँ किसे इंतजार कर रही हो। माँ ने हंसकर बोली बेटा मैं कोई संस्कारी बेटा ढूंढ रही हूँ। मैंने उस माँ से पूछा क्या यहाँ पे कोई बेटे नहीं है माँ। माँ ने जवाब दिया कि है ना बेटा दो बेटे हैं। जो सामने में बड़ा वाला बिल्डिंग देख रहे हो उसमें मेरा करोड़पति बेटा रहता है। बगल वाले में मेरा अरबपति बेटा रहता है। फिर मैंने माँ से पूछा कि माँ आप कहाँ रहती हो। माँ ने अपना रहने की कमरा दिखाई साहब जहाँ गाड़ी की गैरेज जहाँ गाड़ी खड़ी होती थी। संतोष भैया एक छोटी सी रूम टूटी हुई चारपाई फटी हुई चादर मिट्टी की घड़ा स्टील की गिलास दिखाई दिया। मैंने माँ से पूछा माँ इसी में रहती हो। माँ ने हंसकर कही हाँ बेटा मैं इसी में रहती हूँ। मैंने पूछ लिया कि माँ खाना कहाँ खाती हो। माँ ने आंसू में आंसू लेकर जो जवाब दिया साहब दिल को झकझोर कर रख दिया। माँ ने बोली बेटा 15 दिन बड़े वाले बेटे के पास 15 दिन छोटे वाले बेटे के पास। राम गोपाल भैया फिर मैंने माँ से पूछा कि माँ कोई कोई महीना तो 31 दिन का लगता है फिर उस दिन क्या करती हो। साहब उसी मिट्टी की खड़ा से माँ ने एक गिलास पानी निकाल कर पी और पीकर सोकर बताई बेटा मैं पानी पीकर सो जाती हूँ किसी बेटे के पास खाना नहीं खाती। तब मुझे याद आया कि वाह कुत्तों को घुमाना याद रहा निकासी कुत्तों को घुमाना याद रहा पर गाय की रोटी भूल गए। ब्यूटी पार्लर याद रहा सर की चोटी भूल गए। भिसलेरी पानी याद रहा हम घर के मटका भूल गए। टीवी सीरियल याद रहा बिजली के खटका भूल गए। दोस्त मित्र सब याद रहे संतोष भैया पर सगे भाई को भूल गए। साली का जन्मदिन याद रहा पर माँ की दवाई भूल गए। पर माँ की दवाई भूल गए। पर माँ की दवाई भूल गए। ये तो माँ है साहब। सुनील सुरीला भैया का जब कलम उठता है तो इस तरह की पत्तियां निकल कर आती है। हे सरस्वती की मानस पुत्र आपकी लिखने को प्रणाम कि कहीं फूल लिखो कहीं फूल लिखो कहीं पान लिखो रे गेहूं लिखो धान लिखो रे खेत लिखो खलिहान लिखो खलिहान के बगल में किसान लिखो रे। बस एक निवेदन है तुमसे जहां भी देखो देश के टुकड़े यार मोहब्बत से जोड़ कर उसे हिंदुस्तान लिखो रे हिंदुस्तान लिखो रे। आपका भाई कभी अश्लील नहीं बोलता विकास भैया बड़े सलीके के साथ मैं बोलता हूँ। 2 घंटा 40 मिनट आपको पेड़ से लगा कर चश्मे तक बुलवाइएगा मैं सुनाऊंगा। अरुण सवेरा भैया की उपलब्धि है ये पूरे टीम का आशीर्वाद है। कलिंदर भैया का मोहब्बत इन्होंने एक एक शब्द कहा कि विकास इस तरह से बोलो कभी अश्लील मत बोलना। शुभम जी ने बड़े संस्कार के साथ पुष्पा राणा जी के साथ लगातार कंटिन्यू मैंने 10 साल एंकरिंग किया। पुष्पा राणा जी का ये मोहब्बत पुष्पा जी का ये आदेश था कि भैया अश्लील गाना नहीं है तो आपको अश्लील बोलना नहीं है। और ये विकास आज तक उस बात को अमल किया है किसी मंच पे मैं अश्लील नहीं बोलता। आइए मैं चल रहा हूँ अपना संगीत की तरफ। समय बारी बारी से लेंगे एक प्यारा सा
सॉन्ग का फरमाइश आया था। आलोक रंजन भैया से मैं चाहूं कि दो गीत आप सुना लीजिए, उसके बाद फिर मैं चलूंगा डांस की तरफ, तो मिजाज बनेगा। ये आलोक रंजन जिस कलाकार का नाम सहसहरा बाहू की नगरी सिरसा सूरी की धरती माँ तारा चंडी के गोद का ये मोहब्बत ये हंसता हुआ गुलाब किसी से बगावत भी नहीं करता, सबके दिलों में रहता है भाई आलोक रंजन, मुस्कुराकर सबको गले लगाता है, ये मोहब्बत है। आइए मैं संगीत के चरणों में माँ सरस्वती के चरणों में प्रणाम करते हुए कि बड़ा गड़बड़ जमाना हुआ कि मिलती नहीं है दुनिया में मीरा की निशानी, मिलती नहीं है दुनिया में मीरा की निशानी, सर पे सवार हो चुकी है शीला की जवानी, आंखों में शर्मना जुबान बची है, बस जिस्म दिखाने को घमासान मची है, अब तो चमेली चिकनी में आ गई, साड़ी को फेंके लड़कियां बिकनी में आ गई, इससे बड़ी बात मैं क्या बोल सकता हूं।